नमस्ते नमस्ते माननीय मिलिंद प्रधानमंत्री जी, जी मेड इन बहुत इंडिया खुशी हुई मिलिंद। जी बिल्कुल देखिए मिलिंद जी, आप अपने तरीके से मेक इन इंडिया के बहुत वोकल समर्थक रहे हैं। जी मेड इन इंडिया नाम पर आपकी किताब भी काफी पॉपुलर हुई है। जी मिलिंद जी, मैं जरा कुछ अलग का ही सवाल पूछ लेता हूं आपको। ये जो ऑनलाइन आपकी उम्र के विषय में बताया जाता है, जी क्या वही उम्र है कि कुछ और है? लोग मेरे मेरे हिसाब से पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये फिट इंडिया मूवमेंट जो बनाया गया है ये तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हमारे देश में ऐसा ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है कि सबको फिट रहने के लिए एक एफर्ट करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हेल्थ के लिए और फिट रहने के लिए एक मेहनत करने की जरूरत होती है। तो दिस इज ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो फिट इंडिया मूवमेंट फैला रही है। जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी उम्र अभी 55 साल की है, तो मैं उनसे कहता हूं और आप इतने मतलब आयरन मैन किया है, अल्ट्रामैन किया, मैराथन दौड़ते हैं, 100-100 किलोमीटर दौड़ते हैं, 400-500 किलोमीटर दौड़ते हैं। 2012 में मैं दिल्ली से बॉम्बे भी दौड़ा था। तो लोग पूछते हैं कि इतनी उम्र में आप ये कैसे कर सकते हो, तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरी माँ है, 81 साल की है अभी, तो वो जो कर सकती है वो मैं सोचता हूं जब मैं उनकी उम्र तक पहुंचूंगा मुझे वैसा बनना है। तो मेरी माँ एक मिसाल है वैसे मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी। और मैं सोचता हूं कि हम भूल गए हैं कि नॉर्मल क्या है, फिटनेस जो चीज है वो हमारे लिए नॉर्मल क्या है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी थे, उनके दादाजी थे, वो कितने फिट थे। वो चलते थे 40 किलोमीटर, चलते थे 50 चलते थे। आज भी औरतें पानी लेने के लिए 40-40 किलोमीटर चलती हैं, अपना काम करती है, वो खेती में काम करती है। लेकिन शहरों में या जहां तक टेक्नोलॉजी फैल गई है, अभी इलेक्ट्रिसिटी है सबके पास, अभी सबके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो हम बैठते हैं और जितना हम बैठते हैं उतनी हमारी शक्ति कम हो जाती है, हमारा फिटनेस कम हो जाता है। तो जो नॉर्मल है एक इंसान के लिए कि कितना फिट रहना चाहिए नॉर्मली, कि 100 किलोमीटर आराम से कोई भी दौड़ सकता है, आराम से कोई भी चल सकता है। हम एक इवेंट करते हैं पिंकथॉन औरतों के लिए, सिर्फ औरतों के लिए, जो 3 किलोमीटर से शुरुआत करती है और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ वो फिर 100 किलोमीटर वो कर पाती है और उनकी उम्र होती है 60, 65, 70। तो ये जो मूवमेंट है फिट इंडिया मूवमेंट, ये अभी लोगों के समझ में आ रहा है कि हम हमारी काबिलियत क्या है, हमारी शक्ति क्या है, और सिर्फ फिजिकल शक्ति नहीं मेंटल शक्ति क्या है। मिलिंद जी आपने सही कहा, फिटनेस नोज नो एज, नो लिमिट, और ये सच्चाई है। और मुझे किसी ने आपकी माताजी का वीडियो क्लिपिंग फॉरवर्ड किया था, अरे वाह, तो मैंने कम से कम 5 बार देखा होगा, क्योंकि वो 81 उनका बर्थडे था और वो 15 पुलअप्स कर रही है, पुशअप्स, जी बिल्कुल, हाँ पुशअप कर रही हो। हम एक दूसरे को बहुत इंस्पायर करते हैं जी। उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, 60 की उम्र में उन्हें ट्रेकिंग शुरू की, उन्होंने किलिमंजारो जो माउंटेन है वो चढ़ा, एवरेस्ट बेस कैंप किया 60 की उम्र के बाद। तो वो मुझे वो तो सबको इंस्पायर करती है। मैंने भी उनको पुशअप सिखाए, स्क्वाट सिखाए, एक्सरसाइजेस सिखाए जो आज वो रोज करती है। तो मिलिंद जी आपकी माता जी को मेरा विशेष प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू।